Hello everyone, this is Abhishek Singh and today we are going to start our new topic, new chapter, which is very very important, aromatic compounds. Yes, अभी तक हम लोग जितने भी चैप्टर्स पढ़े, या तो हम लोग अल्काइल हैलाइड पढ़े हो, या फिर हम लोग देखे हो कौन सा फेनॉल का हो गया, सॉरी एल्डिहाइड कीटोन देखे हो, या फिर एल्कोहल ईथर देखे हो, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स का देखे हो, उसमें हमने कभी भी फेनॉल के बारे में बात नहीं किया, या फिर हम कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग और उससे डेरिवेटिव कंपाउंड्स के बारे में बात नहीं किया है। एक आध कभी कभी इस्तेमाल किया, कभी बात किया है, लेकिन जनरली उसके बारे में बात नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका हम लोग जितने भी रिएक्शन है, सारे चैप्टर से जो रिएक्शन है उसको एक जगह इकट्ठा करके यह हम लोग स्टडी करने वाले हैं, किसमें? एरोमेटिक कंपाउंड्स में। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से हम बात कर रहे हैं? तो आइए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है। कई सारे इसमें कुछ नेम्ड रिएक्शन भी मिलेंगे और कई सारे रिएक्शंस आपको नए भी देखने को मिलेंगे, और जनरली इसके अलग टाइप का मैकेनिज्म भी आपको पढ़ने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपना, ठीक है। और क्या है एरोमेटिक कंपाउंड्स? एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में तो जानते ही हैं, बेंजीन। बेसिकली हम लोग जैसे ही एरोमेटिक कंपाउंड का नाम आता है तो ध्यान में ये आता है, दिमाग में किसके बारे में आता है? बेंजीन के बारे में आता है। बात समझ में आ रहा है? तो बेंजीन से ही रिलेटेड, यानी कि किससे रिलेटेड? बेंजीन से रिलेटेड जितने भी हम लोग यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे इस चैप्टर में। क्लियर है? बात समझ में आ रहा? अब देखिए इसमें कुछ मुख्य पॉइंट, जैसे कि जैसे सपोज दैट ये अपना बेंजीन है, ठीक है, कुछ कुछ चीजें को ध्यान से देखेंगे। ये अपना बेंजीन है और ये कितना है इसमें, यदि हम इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन जोड़े तो कितना? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन से? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रहा? अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन। और साथ ही साथ फीन भी इसको कहते हैं, एक और अलग नाम है इसका, फीन। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से है? और ये आपका क्या है? एरोमेटिक। ये आपका क्या है? एरोमेटिक। समझ में आया है? एरोमेटिक। अब इस पे यदि हम रिएक्शंस करना चाहें, इस पे हम क्या करना चाहें? रिएक्शन करना चाहें, तो किस तरीके से? यदि हम इस पे एडिशन रिएक्शन करना चाहें, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डबल बॉन्ड है, और अल्किन और अल्काइन में पाई बॉन्ड तो होते हैं, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, तो हम दिमाग में आता होगा कि क्या यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो सकता है, क्या एड कर सकते हैं? तो ध्यान में रखना है यहाँ पे किसी प्रकार का एडिशन रिएक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यदि एडिशन रिएक्शन करेंगे, यदि हम ऐसा बनाना चाहेंगे, ठीक है, यदि हम ऐसा बनाना चाहेंगे, ध्यान से पाई बॉन्ड को ये वाला मान लेते हैं, पाई बॉन्ड को तोड़ दिए हैं, ठीक है, और ये मान ले ए और ये मान ले बी, तो इसका एरोमेटिसिटी जो है वो लॉस्ट हो गया। तो एरोमेटिक कंपाउंड था, एरोमेटिक था और काफी ज्यादा स्टेबल था, लेकिन जैसे ही एडिशन हम कर दिए इसमें, तो इसका एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो कह सकते हैं, सो इट Do not give addition reaction, ठीक है, like alkene and alkyne, ठीक है, alkene and alkyne की तरह ये addition reaction नहीं देता है। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से बात कर रहे हैं? अब यदि हम दूसरा बात करें, यदि हम इसका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवाएं, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवाएं, तो सोचिए जरा सा, क्या ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा? क्या ये खुद एज अ न्यूक्लियोफाइल है? याद कीजिए, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के जब बारे में हम पढ़े थे, तो वहां पे बेंजीन को हम क्या बताए थे? वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बताए थे। क्यों? क्योंकि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो एज अ इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल कभी भी इलेक्ट्रोफाइल पे तो अटैक नहीं होने वाला, ठीक है। हाँ, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हम बेंजीन रिंग पे करवाएंगे, उसके क्या कंडीशंस होंगे वो अलग है, ठीक, लेकिन अभी केवल बेंजीन रिंग पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होगा, केवल बेंजीन रिंग पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होने वाला है, ठीक है, नहीं होने वाला। तो अगला जो है वो हम लोग देखेंगे EAS, EAS इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? SE, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं SE, वही हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपका। तो इसके साथ यदि हम करवाएंगे इलेक्ट्रोफाइल आकर के क्या हो जाएगा?
जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ जाएगा, और इसको हम लोग क्या कहें, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बेसिकली क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, एरोमेटिक, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल आकर के यहां सब्स्टिट्यूट हो गया, यहां पे हाइड्रोजन रहता है ना, याद आ रहा, तो वो हाइड्रोजन हट गया होगा और यहां पे क्या आ गया है, ई, ठीक। तो ध्यान में रखना है एक पॉइंट, ये भी बात आपके लिए हो गया कि बेंजीन जो रिंग रहेगा वो मेनली क्या देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ध्यान में रखना है कि बेंजीन, या कह सकते हैं कि बेंजीन, ठीक है, गिव्स मेनली, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, रिएक्शन, बात समझ में आ रहा है किस तरीके से चल रहा है, नोट कीजिए, फिर और आगे बताते हैं, इसका मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, क्या इसका मैकेनिज्म है, ठीक है, मिटा दे, ठीक है, ईएएस मैकेनिज्म, ईएएस मैकेनिज्म, ठीक है, ईएएस मैकेनिज्म, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, कैसा होगा, इसमें स्टेप वाइज हम लिख रहे हैं, ये है स्टेप आपका वन, ठीक, ये आपका क्या है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, क्लियर है, अब इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, किसके साथ होगा, यस, इलेक्ट्रोफाइल के साथ, किसके साथ हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ, अब ये आपका आया, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल प्लस इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, और ये यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये क्या है, हाइड्रोजन, ठीक, और ये आ गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, और ये वाला बॉन्ड टूटा यहाँ पे, जिससे यहाँ पे आएगा निगेटिव, और ये वाला आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ पे, बात समझ में आ रहा है किस तरीके से, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, ये आ जाएगा एच और ये आ जाएगा ई, और यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ पे कुछ ऐसा, खास बात यह है कि इसका एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गया, ठीक है, और इसका यदि हम और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें इसका, तो क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ, जिससे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपका आएगा डबल बॉन्ड यहाँ, पॉजिटिव यहाँ, ये डबल बॉन्ड और ये एच और ये ई, जैसे का तैसा, ठीक, और एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है कुछ इस प्रकार से, जिससे ये ऐसा और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये ऐसा, ये एच और ये क्या हो जाएगा ई, और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, बात समझ में आ रहा है, क्लियर है किस तरीके से जा रहे हैं, और ये सारे के सारे इसके क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हो गए, और इसका हाइब्रिड भी बनेगा, तो भाई क्या है इसका हाइब्रिड, यदि हम इसका हाइब्रिड का बात करें, ठीक है, हाइब्रिड का बात करें तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज से लेकर के यहां तक क्या है, डिलोकलाइजेशन हो रहा है इस कार्बन से इस कार्बन तक, बात समझ में आ रहा है, तो यहां से लेकर के यहां तक हम डॉटेड 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 चले जाएंगे, और किसका हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज का हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे H और यहाँ पे E, इसको हम लोग वीलेंड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वीलेंड कॉम्प्लेक्स, साथ ही साथ सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी, और अरेनियम आयन इसका नाम है, ठीक है, क्या बोलेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ इसको कहते हैं वीलेंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, तो ये है स्टेप नंबर वन, क्या है स्टेप नंबर वन, यदि स्टेप टू की बात करें, स्टेप टू, ठीक है, स्टेप टू की यदि हम बात करें, तो यहां पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन किसके साथ, बाई चांस हम इसी के साथ करवा देते हैं, ठीक है, इसके साथ यदि हम करवा दें, तो ये आपका कुछ इस तरीके से,
ठीक है, ये ऐसा पॉजिटिव चार्ज, ये है H और ये है आपका E, और साथ अब लास्ट में हम किसके साथ करेंगे, कोई एक न्यूक्लियोफाइल ले लेंगे, तो H जो है वो यहां से ऐसे अपना इलेक्ट्रॉन दे करके H प्लस हो करके, H प्लस को कौन पकड़ लेगा, ये न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव क्या बन जाएगा, बॉन्ड, जिससे इसका एरोमेसिटी वापस आ जाएगा, जो कि इसके स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, गेन स्टेबिलिटी इसका बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये फिर से एरोमेटिक और ये जो इलेक्ट्रोफाइल था वो आकर के आपका ऐड हो गया। बात समझ में आ रहा है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहा गया है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल आया और हाइड्रोजन जो है एज इलेक्ट्रोफाइल बन के ही बाहर हो गया, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में कुछ देखते हैं, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम समझ में आ रहा है, और यही वाला स्टेप जो है वो क्या है आपका आरडीएस स्टेप, ये वाला स्टेप क्या है आपका आरडीएस। बात समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, किस तरीके से हो रहा है, नोट करें, मिटा दे। ठीक, क्लियर है, अब देखेंगे इसका हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, तो एनर्जी लेवल डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं, ये अपने पास है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और ये अपना प्रोग्रेस ऑफ रिपोर्ट, ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, सॉरी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये अपना जो है ऐसा इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, कैसे, तो ये स्टार्टिंग वाले में जो अपना रहेगा वो क्या रहेगा, बेंजीन रिंग, ठीक है, और साथ ही साथ अपना क्या रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है नजर, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, और पहला ट्रांजिशन स्टेट ये क्या रहेगा आपका, TS1। ठीक, ये आपका क्या रहेगा, TS2, और यहां पे क्या हुआ था, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, क्या हुआ था, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, और वही वाला एक तरह से क्या था, आरडीएस अरहेनियम आयन का फॉर्मेशन। ठीक है, अरहेनियम आयन का फॉर्मेशन यहां पे, ठीक है, जो कि इस प्रकार से आपको हम दिखा रहे हैं, ये ऐसा, और यहाँ पे क्या कर देंगे, पॉजिटिव ऐसा, और ये H और ये E। ठीक, यहां से फिर से थोड़ा सा ग्राफ ऊपर, क्योंकि यही आरडीएस था, तो आरडीएस का पीक क्या होता है, सबसे ऊपर, पढ़े है ना, आरडीएस का पीक क्या होगा, सबसे ऊपर, और फिर फाइनली यहाँ पे अपने आप प्रोडक्ट जो है वो ये आपको मिलता हुआ नजर आता है। ठीक, और इसमें जो एनर्जी दिया गया है इस स्टेप में, पहले वाले स्टेप में, ये आपका क्या हो गया, ई ए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, जो भी एनर्जी लगा है दैट इज क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, और ये वाला जो है वो एक तरह से इसका और इसका एनर्जी डिफरेंस है। ठीक है, एक तरह से क्या है, एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, जो कह सकते हैं कि इसका जो भी एनर्जी होगा और इसके एनर्जी में क्या है डिफरेंस, इसलिए ये वाला क्या बना है, स्टेबल बना है। बात समझ में आ रहा है क्या चल रहा है ये, और चूंकि ये नीचे भी है, ग्राफ डाउन गया, तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा, यस आप सही समझ रहे हैं, दैट इज एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज हो रहा, तभी तो इसका ग्राफ कहाँ गया, एनर्जी नीचे है इसका। बात समझ में आया, कुछ खास बात, खास बात अब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये टू स्टेप रिएक्शन है, ये टू स्टेप रिएक्शन है, या टू स्टेप मैकेनिज्म, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं कि आरहेनियम आयन इज द आरडीएस, फॉर्मेशन ऑफ आरहेनियम आयन, ठीक है, आरहेनियम आयन इज आरडीएस। ठीक है, आरडीएस तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इज डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ आरहेनियम आयन। तो बेसिकली आरहेनियम आयन क्या था, कार्बोकैटायन ही टाइप का तो बन रहा था, कैटायन टाइप का ही बन रहा था ना, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कौन करेगा भाई, यस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, पॉजिटिव को स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, निगेटिव को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो हम लोग यदि कोई बेंजीन रिंग में
कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी बेंजीन रिंग में लगा हुआ, तो वो क्या करेगा? यस, वो चूंकि आरडीएस वाले स्टेप में आरएनए आयन जब बनेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके वो उसको स्टेबलाइज करेगा, जिसके कारण उसका रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा। समझेंगे इस चीज को, नोट हो गया, मिटा दे। ठीक है, अब देखेंगे, जैसे कि समझेंगे, यदि कोई बेंजीन रिंग है यहाँ पे, ठीक है, यदि कोई बेंजीन रिंग है और यहाँ लगा हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्या लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या क्या हो सकता है, जरा सा आप सोचें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या क्या हो सकता है, जो डोनेट करता होगा, यानी प्लस एम वाला, ठीक है, तो प्लस एम कौन देता है भाई, लिख सकते हैं क्या, एनएच टू वाला जो ग्रुप रहता है, ठीक है, OH वाला जो ग्रुप रहता है, OME वाला जो ग्रुप रहता है, ETC, ठीक है, और भी उस तरीके से कुछ रहेंगे, हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका रिएक्शन हम लोग क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल से, यही है तो भाई अपना इलेक्ट्रोफाइल, यही है अपना इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल से होने के बाद क्या बन जाएगा, आर्गेनियम आयन बनता है, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। अच्छा, हम इसको ऐसा कर देते हैं कि ऐसा लिख देते हैं इसको, ये ऐसा ऐसा, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे अपना ई, बात समझ में आया। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, या तो क्या होगा प्लस एम वाला, या क्या होगा प्लस आई वाला, या फिर क्या होगा प्लस एच वाला, आर यू गेटिंग माई आइडिया, समझ में आ रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, चूंकि इलेक्ट्रॉन देगा, अब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस पॉजिटिव को क्या करेगा, स्टेबलाइज, ठीक है, यानी कि स्टेबलाइज आर्गेनियम आयन, और ये जितना स्टेबलाइज होगा रेट विल बी फास्टर, ठीक है, ज्यादा ज्यादा रेट क्या होते जाएगा, फास्ट होते जाएगा, बात समझ में आएगा, स्टेबलाइज आर्गेनियम आयन एंड सो रेट इज रेट क्या होते जाएगा, ज्यादा होते जाएगा, ठीक। लेकिन यहीं यहीं पे यदि हम बात करें, इसके जगह पर बात को समझना है, कॉन्सेप्ट को, ठीक है, ये एक बार हम क्या बता रहे हैं, एक तरह से भी आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है एरोमेटिक कंपाउंड्स में, कि रिएक्शंस कैसे कैसे होंगे, यानी कितने टाइप्स के होंगे, कितने टाइप्स के अपने को इसमें रिएक्शन देखने को मिलेंगे, और उसके मैकेनिज्म में क्या होगा, बात समझ में आ रहा, उसके मैकेनिज्म में हम किस तरीके का मतलब कि जो बॉन्ड का टूटना बनना जो हो रहा है, और उसमें आरडीएस क्या होंगे, उसके स्टेबिलिटी को हम लोग कैसे चेक करेंगे, वो सारा चीज आपको इसमें देखने को मिलेगा, और आगे फिर जब हम फर्दर रिएक्शन पढ़ने जाएंगे तो उस समय इसका पूरा कंप्लीट आपको यूज एप्लीकेशन वहां पे आपको देखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस पर लगा दिया हम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यस, विड्रॉ करेगा, खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या किया है, इंक्रीज, ठीक है, हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन density of benzene ring, ठीक है, electron density benzene ring का बढ़ा दिया। लेकिन लेकिन खास बात, यदि हम यहां पे क्या ले ले, यदि हम आपका ले ले यहां पे electron withdrawing group, electron withdrawing group यदि हम ले लेते हैं, और electron withdrawing group ले लेने से क्या हो जाएगा, यहां आपका electron ये आपका खींचने लगेगा, और electron खींचने लगेगा तो electron withdrawing group, ठीक है, decrease the electron density of benzene ring, ठीक है, benzene ring, ठीक। तो अब यहां क्या हो सकता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में, याद है NO2, ठीक है, या हो गया CN, ठीक, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा साइनाइड वाला NO2 जो -M जनरली देखने को मिलता है। तो ये यहां पे आया इलेक्ट्रोफाइल,
और इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा, ठीक है, तो यहां पे निगेटिव बना दे रहे हैं, ये ऐसा, और फिर क्या हो जाएगा, ये ऐसा और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये H, ठीक है, H और ये E, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है, सॉरी पॉजिटिव बनेगा ना, पॉजिटिव, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा और ये क्या करेगा, डिस्टेबलाइज द अर्गेनियम आयन, ठीक है, डिस्टेबलाइज द अर्गेनियम आयन, सो रेट विल बी लेस देन द अबव बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, ऊपर जो बेंजीन रिंग है, ठीक है, ऊपर जो बेंजीन रिंग है, इससे तो क्या होगा, इसका रेट कम ही होगा। बात समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या कॉन्सेप्ट है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ रहेगा तो वो एक्टिवेट करेगा बेंजीन रिंग को, वो एक तरह से एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग। इसको और हम लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहेगा, एक्टिवेट कर दिया है बेंजीन रिंग को, क्योंकि जनरली कौन सा रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा, वो क्या करेगा, एक्टिवेट द बेंजीन रिंग, और इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा वो क्या करेगा, यस, ये क्या करेगा, डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से चल रहा है, नोट करें और बताते हैं, फिर मिटा दे। तो अब इसके आधार पर, इसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि जो रेट है, ठीक है, यानी कि रेट, रेट जो है वो किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग, यस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होगा उसका सबसे ज्यादा, फिर आपका एक बेंजीन रिंग का, और उससे कम हो जाएगा यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ रहेगा तब। समझ में आया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, नोट करें और बताते हैं इसके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, रेट टुवर्ड्स, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, कैसे हो सकता है ध्यान में रखेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम किसको देख रहे हैं, जैसे कि ये O, एक सेकेंड, सबसे ज्यादा हम देखेंगे NH2 प्लस M, यदि आपको ध्यान में है तो आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है, उसके बाद हम किसको देखेंगे, OMe, ठीक है, ध्यान में याद आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना किस तरीके से आपका हो रहा है, फिर उसके बाद आपका CH3, ठीक है, देन उसके बाद CH2, CH3, देन उसके बाद CH3, ठीक है, देन उसके बाद CH3, 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 और ये बेंजीन रिंग, और इससे भी कम सबसे बेंजीन रिंग का, क्यों ऐसा, ये क्या शो करता है, प्लस एम, और स्ट्रॉन्ग प्लस एम होता है, एक्टिवेटर कहलाएगा, ये सारे क्या कहलाएंगे, एक्टिवेटर, एक्टिवेटर इन द सेंस कि ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्टिवेटर, ठीक है, ध्यान से समझना, तो ये क्यों हो रहा भाई, क्यों, क्योंकि ये प्लस एम होता है ना, बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इसका भी क्या होता है, प्लस एम, लेकिन इसका प्लस एम ज्यादा होता है ये पता है, इसका क्या हो जाएगा, प्लस एच, और क्या हो जाएगा, तीन अल्फा हाइड्रोजन,
इसका क्या होगा, दो अल्फा हाइड्रोजन, इसके कारण इसका क्या होगा, वन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, और इसका क्या होगा, केवल प्लस आई, ठीक है, जीरो अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पे तो कुछ नहीं। बात समझ में आया? अब ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले हो गए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले। अब यदि हम यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की, तो जैसे कि आपके लिए हम देख रहे हैं ये बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है, ये बेंजीन रिंग के साथ क्लोरीन, तो क्लोरीन का क्या होता है, ये लोन पेयर भी होता है। अब लोन पेयर होता है तो पता है आपका कि इसका प्लस एम भी होता है और माइनस आई भी होता है, ठीक है, प्लस एम और माइनस आई, लेकिन नेट क्या होता है, ज्यादा क्या होता है, माइनस आई, यानी कि इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है ले भी रहा है, लेकिन देने और लेने के चक्कर में ये बहुत कम इलेक्ट्रॉन जो है खींच पाता है, नेट बहुत कम होता है इसका, ठीक है। तो ज्यादा किसका होगा, जो इलेक्ट्रॉन भरपूर दे रहा हो, ये दे तो नहीं रहा है लेकिन ले रहा है, लेकिन कम ले रहा है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है ये पूरा। इसके बाद यानी इसके बाद यदि हम बात करें इसमें, तो कौन हो जाएगा, ये CH और डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड वाला ग्रुप, ठीक है, CH और ये डबल बॉन्ड O, क्लियर है किस तरीके से चल रहा है। उसके बाद यदि हम बात करें, ठीक है, तो ये C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड ग्रुप जो है आपका, ठीक है, साइनाइड ग्रुप याद आ रहा है, और इससे सबसे भयंकर वाला जो होता है वो होता है NO2, दैट इज नाइट्रो ग्रुप, और इसका क्या होता है, माइनस M, पता है ना सारे का क्या होता है, माइनस M। तो एक हम तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अब ये तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, डीएक्टिवेट कर देगा बेंजीन रिंग को, अब ये डीएक्टिवेट कर देगा बेंजीन रिंग को, तो जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इसमें होगा वो न के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है, यानी रेट इसमें इस प्रकार से है, बड़ा ही आसान है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है उसका सबसे ज्यादा कम होते जाएगा, फिर बेंजीन, और फिर इलेक्ट्रॉन लेने वाला है तो उसमें जो कम ले रहा है उसका ज्यादा, जो ज्यादा ले रहा है उसका कम। क्लियर, मिटा दें हम इसको, ठीक है। अब जो दूसरा है, ये तो पहला हो गया, अब हम लोग देख रहे हैं एक चीज इसमें कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ओवर बेंजीन रिंग, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, ये तो हम बोले थे कि नहीं होता है, न्यूक्लियोफाइल आकर के बेंजीन रिंग पे यदि अटैक करेगा तो नहीं होगा, लेकिन कब हो रहा है, हम बोले थे कि केवल बेंजीन रिंग है तब नहीं होगा, लेकिन तो फिर क्या कंडीशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिएक्शन ओवर बेंजीन रिंग, ओवर बेंजीन रिंग, ठीक है, बात को समझना है। तो ध्यान से, यदि केवल बेंजीन रिंग है तो ये तो खुद क्या है, ऐसा न्यूक्लियोफाइल के तरह, तो यहां पे यदि कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो बताओ रिएक्ट हो पाएगा क्या, रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन लेकिन यदि कोई बेंजीन रिंग है, ध्यान से, यदि कोई बेंजीन रिंग है और उसमें लगा हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्या लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिकली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जब अपने तरफ खींचेगा तो ये बेंजीन रिंग अब एज अ न्यूक्लियोफाइल ना हो करके कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें कम हो गया, तो ये थोड़ा बहुत जो है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव होने लगा। समझ में आ रहा है आम भाषा में हम क्या बोलना चाह रहे हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के साथ ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर सकता है। बात समझ में आया, और इसके साथ रिएक्शंस होंगे, बात समझ में आ रहा है, तब क्या होगा, इसके साथ रिएक्शन ये आपका देखने को मिलेगा। क्लियर है, अब इस चीज को और समझते हैं हम लोग थोड़ा विस्तार से, ठीक है। ठीक है, अब ये जो है वो आपको दो तरीके से मिल सकता है, दो तरीके से देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक जो होगा वो हम लोग कहेंगे SNAR, SNAR, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एक तो ये होगा, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और जो दूसरा वाला जो होगा, जो दूसरा वाला होगा वो क्या कहलाएगा, SNAE, ठीक है, क्या कहलाएगा, SNAE, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन। खास बात इसमें क्या है ना कि
एडिशन एलिमिनेशन होता है, ऐसे नहीं तो वैसे भी हम लोग देख चुके हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है, एडिशन होता है और फिर बाद में क्या होता है, कोई एलिमिनेट हो जाता है, OMe ग्रुप एलिमिनेट होता था, यदि आपको याद होगा तो ये दो तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कौन देखने जा रहे हैं, SNAR, सबसे पहले कौन हम लोग देखने जा रहे हैं, SNAR, कि किस तरीके से ये SNAR अपने को देखने को मिलेगा, ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है। जैसे कि ये हम लोग पहला जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं एस, अच्छा इसको SN2 भी कह सकते हैं, SN2 विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन रिंग, SN2 विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन रिंग, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे SN2 और SNAR इसका हम लोग देख रहे हैं। ध्यान से देखना कैसा होगा, ये बेंजीन रिंग में तभी होगा, इसमें हम क्या बताएं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए रहेंगे तब, तो लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में, अच्छा ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो बाहर कौन निकलेगा, वो भी न्यूक्लियोफाइल के तरह ही अपना कह सकते हैं कि उसका भी बिहेवियर एज ए न्यूक्लियोफाइल के तरह होगा, यानी लिविंग ग्रुप होगा, Cl-Br-I- वैसा कुछ लिव करने वाला होगा। बात समझ में आ रहा, अभी हम केवल क्या बता रहे हैं, रिएक्शंस के टाइप्स बता रहे हैं और उसका मैकेनिज्म कैसे होगा वो बता रहे हैं, समझ में आ रहा क्या चल रहा। अब तो ये जो SNAR में हम लोग देख रहे हैं इसको क्या बोल सकते हैं, SN2 भी कह सकते हैं, ये एरोमेटिक के रेस्पेक्ट में, बात समझ में आ रहा। अब यदि कोई न्यूक्लियोफाइल हटेगा तो न्यूक्लियोफाइल आएगा भी, यही चीज तो है सब्स्टिट्यूशन, लेकिन ये तब होगा जब लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ तो वो क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजिशन से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में कम हो जाएगा और फिर बड़ा ही आसानी से जो लिविंग ग्रुप रहेगा वो लीव कर जाएगा और जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा वो अटैक कर पाएगा, यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा फिर जो लिविंग ग्रुप है वो लीव कर जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कैसे हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग, अब हम क्या बोले कि यहाँ पे कौन है, Cl, यहाँ पे कौन है अपना Cl, Cl को हम क्या मान लिया कि ये लिविंग ग्रुप है, लिव कर रहा है, ठीक है, चूंकि Cl माइनस होकर कहीं निकलेगा, तो हमको क्या चाहिए कि इसके ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम एकदम स्ट्रॉन्ग वाला Na2 लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, Na2, कहां चाहिए भाई, ऑर्थो और पैरा पे, और ये अपना क्या है, यस Na2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कहां पे चाहिए भाई, ऑर्थो पे चाहिए और पैरा पे चाहिए, कहां चाहिए, ऑर्थो और पैरा पे चाहिए, तब यदि हम यहाँ पे किसका रिएक्शन करवाएं, न्यूक्लियोफाइल का, किसका रिएक्शन करवाएं, न्यूक्लियोफाइल, और हम क्या लिख सकते हैं, जैसा कि आपका हो गया OH-, ठीक है, क्या हो गया, SH-, ठीक है, SR-, बात समझ में आ रहा, या फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे NR3-, बात समझ में आ रहा है किस तरीके से है चल रहा है, क्लियर है, NR3, ऐसा केवल NR3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये लोन पेयर ऐसा, या फिर कोई और भी न्यूक्लियोफाइल हम ले लेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल का करेगा अटैक करेगा, कहां पे करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट खींच रहा अपने तरफ, तो ये कहां पे आएगा, यहाँ पे, ये कहां आएगा, यहाँ पे, समझ रहे हैं बात को, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ही रेजोनेंस करवा के खींचेगा, निगेटिव यहाँ, और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां करेगा, इस पोजिशन पे जहां पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, जिससे जो यहाँ पे जो फॉर्म्ड होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ पे NO2 और यहाँ भी क्या बनेगा NO2, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल और ये क्या रहेगा क्लोरीन, सॉरी यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे रहेगा न्यूक्लियोफाइल और ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा और यहाँ पे निगेटिव, ठीक, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, और चूंकि ये NO2 लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इस नेगेटिव को क्या करेगा स्टेबिलाइज, इसीलिए लगाया हुआ है, और यही वाला इसका क्या है RDS, यही वाला इसका क्या है RDS स्टेप भी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने के कारण वो क्या हो रहा है भारी से भारी मात्रा में स्टेबल बन रहा है। अब क्या होगा, ये यहां से Cl फरार और Cl फरार उसके बाद ये निगेटिव वाला यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और जिससे फिर से इसका एरोमेटिक जो है कैरेक्टर जो है वो वापस लौट जाएगा, बात समझ में आया, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा SNAR रिएक्शन, नोट करें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये पहला देखे हम लोग SNAR, अब देखेंगे SNAE,
ठीक है, SNA, ठीक है, SNA, ये बेसिकली क्या है, एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन इसमें होता है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन, याद है हम आपको बोले थे बेंजाइन भी पढ़ना बाकी है, कार्बिन के बारे में बोले थे, नाइट्रिन, कार्बिन नाइट्रिन हो गया था, कार्बोडाइन कार्बेनाइन, ये सब इंटरमीडिएट था, रिएक्शन इंटरमीडिएट थे, अब ये बेंजाइन के बारे में बोले थे कहां पढ़ेंगे, एरोमेटिक में, इसलिए यहां पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और ये जो बेंजाइन बनेगा वो किसमें बनेगा, SNAE में, किसमें बन रहा है, SNAE में, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन, और ये क्या है आपका, एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है, एडिशन इसमें देखने को मिलेगा, एडिशन एलिमिनेशन, बात समझ में आ रहा है क्या चल रहा है ये, ठीक है। अब जैसे जैसे कि ये क्लोरोबेंजीन है, क्या है ये, क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन का यदि रिएक्शन हम लोग बेस के साथ करवाएंगे, यानी अराइल हैलाइड का रिएक्शन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, या फिर क्या है ये, अराइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, तो यही तो है एराइल हैलाइड, ठीक है, इसका रिएक्शन हम करवाएंगे नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन में, कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन पे ये रिएक्शन नहीं देता, क्यों, क्योंकि क्लोरीन और बेंजीन रिंग पे आपका क्या है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर पाया जाता है, लेकिन लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, टेम्परेचर और प्रेशर के प्रेजेंस में, ठीक है, यानी कि यही सीएल तोड़ना आसान नहीं होता है इनके बीच का बॉन्ड, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि NaOH बेस का रिएक्शन हम करवाएंगे, लेकिन जो टेम्परेचर है वो तकरीबन तकरीबन 350, 300 डिग्री सी, कहीं कहीं, हाँ 300, ठीक है, डिग्री सी, और प्रेशर, प्रेशर जो है वो 350 एटीएम के समथिंग में आपको रहेगा, ठीक है, 350 एटीएम। अब इसके प्रेजेंस में ही यहाँ पे जो है वो फेनॉल देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, फेनॉल का फॉर्मेशन, बात समझ में आया, यानी सीएल हट करके क्या लगता है, OH, क्लियर है, कैसे हुआ होगा ये रिएक्शंस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करें, फिर बता रहे हैं, इसमें हो गया, बता दे, ठीक। और ये सबसे पहले क्या होता है ना कि NaOH सबसे पहले ये बनता है, सबसे पहले ये आपका बनता है ऐसा O-Na+, और फिर हम लोग रिएक्शन HCl स्लाइटली एसिडिक मीडियम में करवाते हैं, तो ये H जो है यहाँ चला जाता है और फिर क्या बन जाता है, फेनॉल, क्लियर है। और इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होता है वो क्या होता है, यस, बेंजाइन, क्या बनता है, बेंजाइन, देखेंगे कैसे बन रहा है। ठीक है, कैसे बन रहा है मैकेनिज्म इसका, यानी फॉर्मेशन ऑफ एक टाइप का बेंजाइन ही, ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, क्लोरोबेंजीन, यही आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब क्लोरोबेंजीन का जो रिएक्शन होगा वो किसके साथ होगा, बेस के साथ, ठीक है, OH- के साथ, और जो टेम्परेचर रहेगा डेल भी और पी भी क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा टेम्परेचर और प्रेशर। अब ये क्या होगा कि ये जो है वो टूट करके कहां जाएगा, ये तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, विड्रोइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, OH क्या है, यस, एज अ बेस आया हुआ है, ठीक है, ध्यान से, एज अ बेस, तो ये क्या करता है कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसको क्या करता है, उड़ा ले जाता है, ठीक है, इसको उड़ा ले जाएगा, अब इसको उड़ा ले जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव, और ये ऐसे हम इसको लिख देते हैं इस तरीके से समझने के लिए आपको, ये हाइड्रोजन, इसका अटैक किस पे, इस हाइड्रोजन पे, और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देके गया, और ये क्लोरीन बाहर कैसे, Cl- लेकर के, जिससे आएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव आपस में क्या बन जाएंगे, बॉन्ड, ठीक है, जिससे यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा बेंजाइन का, यही इसी को क्या कहते हैं, बेंजाइन, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और ध्यान रखेंगे कि ये इनका इनका बीच का ओवरलैपिंग sp2 ओवरलैपिंग होता है, sp2 sp2 ओवरलैपिंग होता है, काफी वीक बॉन्ड रहता है, ठीक है, ओवरलैपिंग देखने को
मिलता है। बात समझ में आया, और यही आपका क्या कहलाएगा, बेंजाइन। अब आगे जो है ये आपका है बेंजाइन, ठीक है, ये आपका क्या है बेंजाइन। अब बेंजाइन का रिएक्शन, बेंजाइन का रिएक्शन खास करके ध्यान से समझना है, बेंजाइन का रिएक्शन। अब ये वाला तो चला गया, ये तो ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से बन गया, और ये किस तरीके से टूटेगा वो आपको समझना है। ये यदि हम चाहें इस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड इधर भी टूट सकता है और इधर भी, देखेंगे वेरिएशंस जो है वो हम आगे देखने वाले हैं, बस हम मैकेनिज्म का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। ये बॉन्ड इधर भी टूट सकता है, इधर भी, यदि हम लोग आइसोटोपिक लेबलिंग कर दें इसमें, तो जो प्रोडक्ट है वो आपके डिफरेंट आ सकते हैं, ठीक है। तो ये फिलहाल हम इसको कैसे तोड़ रहे हैं, ये वाला टूट रहा है इस प्रकार से, किधर से भी तोड़ सकते हैं। और OH का अटैक, OH माइनस का अटैक करेगा इस पोजिशन पे एज ए न्यूक्लियोफाइल, कैसे अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तब फिर ये जो है वो कैसा नजर आएगा, ऐसा कैसा नजर आएगा, और ये निगेटिव जो है वो किस ऑर्बिटल में नजर आएगा, ये sp2 में ही नजर आएगा आपका। बात समझ में आया, क्लियर है। और फिर हम क्या करवाएंगे, HCl के प्रेजेंस में, थोड़ा सा एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, यहाँ क्या चला जाएगा H, और जिससे फॉर्मेशन हो जाएगा आपका फेनॉल का, क्या बन गया फेनॉल। बात समझ में आया किस तरीके से हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें जो बना वो क्या बना आपका, बेंजाइन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, और यही आपका है एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है। पहले क्या हो गया, ये आपका देखे यहां से ये वाला बाहर हो गया, और फिर ये वाला OH आकर के क्या हो गया, एड हो गया। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है। अब इतना होने के बाद थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, इसमें मिटा दे इसको, ठीक है। चीजों को समझेंगे यहां, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है, क्योंकि अभी तो हम केवल टाइप बता रहे हैं, मैकेनिज्म कैसे होगा, किस तरीके से होगा, लेकिन जब रिएक्शंस में हम लोग आ जाएंगे तो इसी के मदद से आपको क्या होगा, वहां पे हेल्प मिलेगा कि कैसे मैकेनिज्म जाएगा, क्यों इस तरीके से जाएगा, SNA जाएगा, ठीक है, या फिर SN2 जो SNAR जो है वो नहीं जाएगा, ऐसा क्यों होगा, तो वो सब रीजन जो है आपको यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं कोई एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, इसमें बेंजीन रिंग है, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, मिक्स्ड एसिड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम, मिक्स्ड एसिड। तो मिक्स्ड एसिड में भाई हम क्या ले ले रहे हैं यहां पे, ठीक है, यहां पे हम ले ले रहे हैं कॉन्क H2SO4, और साथ ही साथ ले ले रहे हैं हम कॉन्क HNO3। हालांकि इस प्रोसेस को नाइट्रेशन कहते हैं, और नाइट्रेशन में आपको याद होगा क्या जुड़ जाता है, NO2 ग्रुप, याद है हम लोग किसमें पढ़े थे, यस हम लोग पढ़े थे हाइड्रोकार्बन में, क्या जुड़ जाएगा आपका, ये प्रोसेस क्या है, नाइट्रेशन पूरा मैकेनिज्म के साथ पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम लोग जानते हैं इतना कि NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। तो NO2 ग्रुप हम जोड़ करके यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन, क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन, ये क्या था आपका बेंजीन, ठीक है, और ये क्या हो गया नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन का यदि हम NO2 ग्रुप लगा है, NO2 ग्रुप लगा है, याद कीजिए RNO2 इस तरीके का जब रहता था तो वहां पे हम उसका रिडक्शन करवा देते हैं, क्या करवा देते हैं रिडक्शन, किसके साथ, H2PT के साथ, ठीक है, या फिर हम ले लेते हैं SNHCl के साथ, या फिर हम ले लेते हैं FeHCl के साथ, रिडक्शन हो जाएगा। तो रिडक्शन इसको क्या करवा देता था, याद है ये बेंजीन रिंग, और साथ ही साथ करवा देता था NH2 एनिलीन बन गया ये, वहां पे क्या बन जाता था एमाइंस बन जाता था, क्लियर है, समझ में आ रहा। अब ये एनिलीन जो बन गया ना, इसका रिएक्शन खास करके ध्यान से देखेंगे। अब यहां पे हम लोग ये बन गया एनिलीन, ये आपका है एनिलीन, ठीक है, NH2, ठीक है। अब याद है NH2 का हम लोग डाइजोटाइजेशन करवाते थे, याद आ रहा है, सेम यहां पे हम लोग क्या करवाएंगे, वही क्या ले लेंगे HNO2, या फिर हम ले सकते हैं यहां पे NaNO2, और क्या रहेगा HCl, और टेम्परेचर यहाँ पे जो होता है, ठीक है, टेम्परेचर जो यहाँ पे होता है 0 से 5 डिग्री C होता है, कितना होता है 0 से 5 डिग्री C, काफी लो टेम्परेचर पे होता है, जिसमें जिसमें एक बड़ा ही अलग सा आपको सॉल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, ये रहेगा N, ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे पॉजिटिव, चूंकि नाइट्रोजन ये चार बॉन्ड बनाए हैं,
और यहां पे आपको देखने को मिलेगा Cl-, ठीक है। और इस पूरे को, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं, पूरे को कहा जाता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इसका एक हम और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख सकते हैं? इस प्रकार से यदि ये वाला बॉन्ड टूट करके आ जाए यहां पे, ठीक है, तो आपको देखने को क्या मिलेगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, एन, और इस पे आ जाएगा डबल बॉन्ड एन, और यहाँ पे पॉजिटिव, और ये ऐसा, ठीक है, और ये Cl-। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो कि Cl है तो क्लोराइड लिख देते हैं। बात समझ में आया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़े हैं एमाइंस पढ़े हैं, इसीलिए हम इसको यहाँ पे आपके सामने ले आए, जो कि हम क्या कर सके, अभी एमाइंस चैप्टर आपका एकदम अभी ताजा है, तो उससे रिलेटेड हम रिएक्शन करवा सके। बात समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, या फिर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट भी हम इसको लिख सकते हैं। याद आ रहा है, समझ में आ रहा है सारा कुछ क्या चल रहा है? आगे देखेंगे किस प्रकार से हो रहा है। अब देखेंगे हम लोग ये पूरा रिएक्शन, दैट इज डाइजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन। क्या देखेंगे? डाइजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन, और ये एक तरह से थोड़ा सा आपका क्वाइट रिविजन टाइप हो गया, ठीक है, याद दिलाते हुए। ठीक, क्या देखेंगे? डाइजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन। डाइजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन, ठीक है, यही अपने पास है एनिलीन, NH2, ठीक है। रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे हम? HNO2 के साथ, या फिर हम ले सकते हैं NaNO2, ठीक है, NaNO2, और साथ ही साथ HCl, ठीक। और ये टेम्परेचर क्या रहेगा? 0 से 5 डिग्री, ठीक है, C, 5 डिग्री C, ठीक है, ये आपका रहेगा, क्लियर है, ये जिससे बनेगा आपका यही बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये बनेगा आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। क्लियर है किस तरीके से चल रहा है? इसका मैकेनिज्म देखेंगे, क्या है इसका मैकेनिज्म? मैकेनिज्म सबसे पहले ये जो आपका नाइट्रस एसिड है, OH एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है, यही है ना। अब इसका रिएक्शन किसके साथ होगा? यही जो अपना HCl लिए हुए है, तो H जो है H+, चूंकि एसिड क्या देगा, H+ देगा, चला जाएगा यहां पे, जिससे क्या बन जाएगा, O, ये H, इस पे पॉजिटिव, और ये N डबल बॉन्ड O। अब ये जो है पानी बाहर निकल जाएगा, और पानी बाहर निकलने से क्या बन जाएगा, NO+, ठीक है, NO+, दैट इज नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। ठीक, और साथ ही साथ आपका क्या बन गया, पानी बाहर निकल गया, और यही वाला ऐसा क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल। क्या इस्तेमाल होगा? इलेक्ट्रोफाइल, और ये तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, कौन सा, HNO2, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग हो जाएगा ना, पूरा प्लस एम जबरदस्त दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए हुए हैं, ठीक है। अब क्या होगा देखेंगे यहाँ पे, हाँ, अब क्या होगा कि ये आपके पास है बेंजीन रिंग, ठीक है, और ये है NH2, यही है ना, NH2, एनिलीन, ठीक। अब रिएक्शन किसके साथ? NO के साथ, किसके साथ, NO के साथ, और ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव, तब ये पॉजिटिव है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इसको दे रहा है, यहाँ पे जब दे रहा है, तब क्या हो जाएगा जी, बताइए, क्योंकि इसका तो लोन पेयर है ना, यहाँ पे लोन पेयर है, तो अटैक जो ये लोन पेयर के साथ ही इसका रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका एरोमेटिक इसको रहने दिया जाएगा इसमें, ठीक। अब जिससे जिससे बनेगा क्या, हम क्या लिख दें, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये आपका बेंजीन रिंग, ठीक है, ये हो जाएगा एन, ये एच, इस पे था पॉजिटिव आ जाएगा, और ये आ जाएगा एन, और डबल बॉन्ड आ जाएगा ओ, क्लियर है। अब यहां से जो Cl बचा था ना, H+ तो चला गया, Cl- रह गया, तो यहां से Cl- का यदि हम रिएक्शन करवाएं, तो ये H+ जो है निकल करके चला जाएगा, इसके साथ माइनस हो जाएगा HCl, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, HCl,
और माइनस एच सी एल होने पे जो नजर आएगा वो आपको क्या नजर आएगा, एन एच, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ओ। अब यहां पे हम लोग क्या करवा देंगे, टॉटोमेरिज्म, क्या करवा देंगे, टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म करवाने पे, टॉटोमेरिज्म करवाने पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन रिंग, ठीक है, ये आ जाएगा आपका एन डबल बॉन्ड एन, ठीक है, और ओ एच, ये बन जाएगा। बात समझ में आया, थोड़ा सा स्पेस अपने को और चाहिए, ये हम मिटाते हैं, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। अब एन डबल बॉन्ड एन और ये हो जाएगा ओ एच। अब रिएक्शन किसके साथ, फिर से वही एच सी एल के साथ, ठीक है, तो यही है अपने पास एच और सी एल। ये वाला कहां जाएगा, यहां पे इसके लोन पेयर पे, जिससे ये अपना बन जाएगा बेंजीन, ठीक है, और ये एन डबल बॉन्ड एन और ये रहेगा ओ एच, और एच यहाँ पे पॉजिटिव और ये बाहर, और ये बाहर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, और जैसे ही पॉजिटिव आएगा ये क्या करेगा अपना बैक बॉन्डिंग, जिससे आपको देखने को मिलेगा माइनस पानी, और यहाँ पे क्योंकि क्लोरीन तो यहाँ बचा हुआ है ना, क्लोरीन यहाँ बचा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ये पॉजिटिव, और साथ ही साथ आपका क्या मिला, यस सी एल माइनस, दैट इज कॉल्ड बेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिख देते हैं, क्लोराइड। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से चल रहा है, तो ये आपका कंप्लीट मैकेनिज्म है। अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दे दिया ना यहाँ पे, उसके बाद हम लोग इसमें देख सकते हैं कि ये SN1 रिएक्शन भी चला जाएगा, SN1 रिएक्शन, कैसे SN1 चला जाएगा, जरा इस चीज को समझना है, ठीक है, नोट करें, पहले नोट कर ले, बहुत है ज्यादा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या देखेंगे, SN1 रिएक्शन ऑन PHN2 प्लस Cl माइनस, वही तो हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन, ठीक है, डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, होता क्या, बड़ा ही आसान सा चीज है, ठीक है, ये आपका रहेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस, ऐसा भी हम लिख सकते हैं N2 प्लस और Cl माइनस, ठीक, यहां से बाहर क्या हो जाता है माइनस N2 और माइनस Cl, ये वाला पार्ट बाहर, ठीक है, और ये पार्ट बाहर होने पे, ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कार्बोकेटायन का, जो कि बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल C प्लस, अनस्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, चूंकि कार्बोकेटायन बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वो SN1 के थ्रू ही जा रहा है, और यदि हम यहाँ पे किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दें तो फिर ये जो है ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये कैसा जा रहा है, SN1 रिएक्शन की तरह ये जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब देखे कुछ इसमें कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है, उसका रिएक्शंस और बाकी रिएजेंट्स के साथ किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, जैसे कि यह आपका N ट्रिपल बॉन्ड N, ये पॉजिटिव और ये क्या है आपका Cl माइनस, ठीक है, यदि रिएक्शन हम करवा दें CuCl के साथ, ठीक है, और क्या ले लें HCl, और खास बात ये आपको कैसे देखने को मिलेगा N2 और माइनस Cl होने के बाद, ठीक है, माइनस N2, ठीक है, माइनस N2 एंड Cl, माइनस N2 Cl, ठीक है, हटने के बाद कैसा देखने को मिलेगा, कार्बोकेटायन में नजर आएगा, ऐसा देखने को मिलेगा, यानी अटैक बेसिकली यहीं पे होगा, जिससे क्या बन जाएगा, ये Cl बन जाएगा, यहीं पे यदि हम Cu Br और HBr ले लें तो ये क्या बन जाएगा
ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, यदि यहां पे हम क्या ले ले, एजीसीएन, एजीसीएन नहीं, यदि हम यहां पे ले ले केसीएन, ठीक, सीयूसीएन, सीयूसीएन, ठीक है, तब ये क्या बन जाएगा, सीएन, और ये इस प्रकार से। ठीक है, और ये जो तीन रिएक्शन है, ये जो रिएजेंट के साथ जो हो रहे हैं, इसको हम लोग सेंडमेयर रिएक्शन कहते हैं, सेंडमेयर रिएक्शन, ध्यान से। ठीक है, क्या कहेंगे, सेंडमेयर रिएक्शन, क्लियर। और ये जो है, यदि हम केसीएन लेंगे ना, तो प्रोडक्ट सेम आएगा, क्या प्रोडक्ट आएगा, यही सीएन, लेकिन ये नेम्ड रिएक्शन में नहीं होगा, नेम्ड रिएक्शन में नहीं होगा, बात समझ में आया। और थोड़ा सा यदि हम ले ले, यहाँ पे क्या ले सकते हैं, रिएक्शन करवा दे हम Na(BF4-) और ये प्लस, Na+ और BF4-, जिससे क्या बन जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ये BF3 और Na, हाँ, यहां से आपको क्या मिलेगा, BF4 से। आप ऐसा समझ सकते हैं कि Cl यहां से हटके Na के साथ क्या हो जाएगा, NaCl, समझ में आ रहा है, तो माइनस क्या कर दे रहा है, माइनस NaCl शुरुआत में। ठीक है, और ये जो है आपका ऐसा देखने को मिलेगा N2+ और ये BF4-, ये समझ में आया, NaCl बन गया। ठीक है, अब यदि हम इसको क्या करवा दें, ठीक है, हीट कर दें, इसको क्या कर देंगे, हीट, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा F, यहाँ क्या आ जाएगा, F, ठीक है, यहाँ F, और प्लस क्या बन जाएगा, BF3, क्या बन जाएगा, BF3, और इसको बाल्ज सिंच, ठीक है, सिसमेंट रिएक्शन कहते हैं, बाल्ज, देखेंगे, BALZ, ठीक है, SCHIMEN, बाल सिसमेंट रिएक्शन कहते हैं, बात समझ में आ रहा है। इसी में यदि हम रिएक्शन करवा दे किसके साथ, KI के साथ, KI के साथ, तो क्या बन जाएगा ये, यस, ये बन जाएगा I, क्लियर है। ठीक है, इसमें मिटा दे, इस साइड का मिटाएं क्या, थोड़ा सा नोट कर ले, ठीक है, देखेगा, क्लियर है। अब इसी में क्या कर दे, थोड़ा सा एक साइंटिस्ट है, गेटरमैन, उन्होंने क्या किया कि यहां पे CuCl था ना, और HCl था, उन्होंने क्या किया, कॉपर पाउडर ले लिया, कॉपर पाउडर, और साथ ही साथ उन्होंने ले लिया वही HCl, HCl, तो सेम प्रोडक्ट बन रहा था, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम HCl। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि कॉपर पाउडर ही लिया पाउडर्ड फॉर्म में, और क्या ले लिया, HBr, क्या बन गया, ये Br वाला ब्रोमोबेंजीन, और ये वाला जो रिएक्शन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, क्या कहलाएगा, गेटरमैन रिएक्शन। ठीक, और यदि यहां पे हम वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें एज अ न्यूक्लियोफाइल, यहीं पे अटैक तो होगा पॉजिटिव पे, तो क्या बन जाएगा, फेनॉल, क्या बनेगा, फेनॉल, समझ में आ रहा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, नोट करें, ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का, और इसके केसेस हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, थोड़ा सा और है उसको हम लोग करवाते हैं, देखते हैं क्या है, नोट में लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, नोट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्या भाई, कि यदि N2+ और Cl- का रिएक्शन, ठीक है, मतलब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ करवा दे, H3PO2, या फिर इसके जगह ले ले CH3CHHOH, यानी कि इथाइल एल्कोहल, यही तो है, यही है ना, तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, क्या शिफ्ट हो जाएगा, H- हाइड्राइड शिफ्ट होगा, कहाँ पे, ये वाला बाहर और ये वाला यहाँ पे, यानी बेसिकली ये यहाँ पे H- निकल करके निकला, और ये जो रहेगा वो क्या कर देगा, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो जिससे आपको क्या देखने को मिलेगा, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है भाई, ये हाइड्रोजन, यानी कि आपको मिलेगा बेंजीन, क्या देखने को मिलेगा, बेंजीन, और साथ ही साथ H3PO3+N2 और प्लस HCl, और नीचे वाले के साथ यदि रहेगा तो CH3CH(O) और N2 और साथ ही साथ HCl देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आ जाएगा तो आपके दिमाग उड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ हाइड्राइड ट्रांसफर होता है इस वाले में, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा,
अब देखें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ N2Cl2, मतलब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो है, पीएच N2Cl2 मिटा दे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ पीएच N2+Cl-। ठीक है, देखेंगे समझेंगे क्या चल रहा है। यहां पे जो अपना था बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, वो उसको हम लोग ऐसे भी लिखे थे, याद है, ऐसे भी लिखे थे। और ये जो था वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम आता है, एक तो इसका ये था और एक इसका क्या था, ये एक इस तरीके से इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा था जिस पे हम लोग काम कर रहे थे। ठीक है, Cl-। बात समझ में आ रहा है? तो ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था वो वीक इलेक्ट्रोफाइल के तरह काम करता है। इसके तरह काम करेगा वीक इलेक्ट्रोफाइल। अब यदि ये वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह, तो यदि हम चाहें तो कोई वैसा बेंजीन रिंग ले ले जिसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग का बढ़ा देगा। यानी जैसे ही हम यहां पे क्या ले लें, इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के साथ क्या ले, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में जैसे हम क्या ले लें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में जैसे हम मान लेते हैं कि ओ माइनस वाला ले लेते हैं, ठीक है, ओ माइनस हो जाएगा, NH2 वाला ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ये NH2 वाला ले लेते हैं, NR3 वाला ले लेते हैं, ऐसा कुछ ले लेते हैं, ठीक है, या NHR ले लेते हैं, ठीक है, NHR ले लेते हैं, ऐसा कोई ग्रुप ले लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो ये ऐसा क्या काम करने लगेगा, ऐसा न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया ना, और ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोफाइल, तो वीक इलेक्ट्रोफाइल खटाक से यहाँ जुड़ जाएगा किसमें, एक तरह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो कहाँ पे आकर के जुड़ जाता है, पैरा पर, कहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा, पैरा पे। इसके बारे में विशेष बात हम लोग करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो और ये आपका क्या देगा, ई ए एस जो रिएक्शन है वो आपको देगा, और जो और यहां पे आपको सी एन कपलिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, सी एन कपलिंग देखने को मिलेगा, यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन का कपलिंग देखने को मिलेगा, यानी कि ये वाला पार्ट जो है नाइट्रोजन का वो किसके साथ कपल हो जाएगा, इसके पैरा पर। यहां नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई लगा हुआ है, तो इसके साथ हो सकता है कि क्या हो जाए, यस, हो सकता है स्टेरिक हिंड्रेंस वाला मामला आ जाए, रिपल्शन वाला मामला आ जाए। तो कहां पे हम लोग जोड़ रहे हैं, जनरलाइजेशन जो हम बता रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहां जोड़ रहे हैं, यस, पैरा पर। तो जो बनेगा वो क्या बनेगा देखेंगे, ये चलेगा आपका बेंजीन रिंग, ठीक है, ये रहेगा एन, ठीक है, एन, ये तो बेंजीन रिंग, और इससे क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एन, और ये डबल बॉन्ड एन, और ये आपका क्या आ जाएगा, बेंजीन रिंग। बात समझ में आया? ठीक है, और ये आपका क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर देगा, इसको एक्टिवेटेड बेंजीन बना देगा, एक्टिवेटेड बेंजीन। बात समझ में आया कि इस प्रकार से चल रहा है ये? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, रिवाइज कर करके आएंगे, जितने टाइप्स के हम मैकेनिज्म बताए हैं, सारे चीजों को जो हम बताए हैं उसको एक बार पढ़ करके आएंगे, क्योंकि अगले क्लास में जो है इसी से रिलेटेड, ठीक है, इसी से रिलेटेड बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट अभी खत्म नहीं हुआ, में बहुत सारे वेरिएशन है जो आपको पढ़ने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे एन सी एन कपलिंग होगा, क्या होगा, सी एन कपलिंग। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, और आज का क्लास काफी ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, नोट्स अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं, थैंक यू सो मच।